हेलो दोस्तों, आई स्टिल बिलीव एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी है। इस मूवी में जेरेमी कैंप और उनकी पत्नी मेलिसा की स्टोरी बताई गई है। तो दोस्तों चलो देखते हैं आई स्टिल बिलीव की कहानी। ये मूवी शुरू होती है जहाँ पे जेरेमी अपनी पैकिंग कर रहा था। वहाँ पे देखते हैं कि उसके परिवार में एक मम्मी, पापा और दो भाई थे। जेरेमी अपनी स्टडीज करने के लिए कैलिफोर्निया शहर जाता है। उसके पापा उसको एक गिटार गिफ्ट करते हैं। जब जेरेमी कैलिफोर्निया पहुंचता है, उस रात वहां पे एक कनेडियन क्रिश्चियन बैंड द क्राई का कॉन्सर्ट होता है। जेरेमी उस कॉन्सर्ट में जाता है। वहां पे उसकी मुलाकात होती है उस बैंड के लीड सिंगर जॉन लूक से। जेरेमी की उससे दोस्ती हो जाती है। जॉन जेरेमी को उसके स्टेज पे असिस्ट करने के लिए कहता है। जब जेरेमी स्टेज पे जॉन को असिस्ट करने के लिए जाता है तो ऑडियंस में उसे एक लड़की दिखती है और वो उसको लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। शो के बाद वो लड़की को मिलने जाता है। वो लड़की अपना नाम मेलिसा बताती है। दोस्तों फिर नेक्स्ट सीन में हमें कॉलेज दिखाते हैं। जेरेमी एक पेड़ के नीचे बैठ के गाना गा रहा होता है। मेलिसा को वो दिखता है और वो उसके पास आती है और वो उससे कॉम्प्लीमेंट भी देती है। उसको शाम को बीच पे मिलने के लिए कहती है और अपनी गिटार साथ लाने के लिए भी कहती है। जब जेरेमी बीच पे पहुंचता है तो वहाँ पे वो मेलिसा, जॉन और उसके कुछ दोस्तों से मिलता है। वहाँ पे जेरेमी एक गाना गाता है। अब इस सीन में हमें ये दिखाते हैं कि शायद जॉन भी मेलिसा में इंटरेस्टेड था और ये मेलिसा को पता भी था, लेकिन वो जॉन के लिए सेम फील नहीं कर रही थी, लेकिन वो जॉन का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। अब नेक्स्ट सीन में हमें ये दिखाते हैं कि जेरेमी जॉन से म्यूजिक की एडवाइस लेता है। जॉन काफी इंप्रेस्ड होता है जेरेमी से। वो उसे अपने कॉन्सर्ट में गाने का मौका भी देता है। जॉन एक बहुत ही अच्छा इंसान दिखाया गया। जेरेमी जब वहाँ पे गाता है वो एक इंस्टेंट हिट बन जाता है। उस कॉन्सर्ट में मेलिसा भी आई होती है। अब हमें ये दिखाता है मेलिसा और जेरेमी घर जा रहे होते हैं। उनका हॉस्टल आसपास ही होता है। जेरेमी मेलिसा को डेट पे जाने के लिए कहता है। पहले तो मेलिसा मना कर देती है, लेकिन फिर वो मान जाती है। वो लोग प्लैनेटोरियम में जाते हैं क्योंकि मेलिसा को स्टार्स और गैलेक्सी काफी पसंद थे। उसको उनके बारे में जानकारी भी बहुत अच्छी थी। यहाँ पे मेलिसा एक रोमांटिक एट हार्ट लेडी दिखाई गई है। अब रात को वो जब हॉस्टल जाते हैं, मेलिसा जेरेमी से कहती है कि ये बात वो अपने में ही रखे एक सीक्रेट की तरह, जॉन को पता ना चलने दे। फिर जेरेमी वहाँ से चला जाता है। जेरेमी और मेलिसा अब काफी टाइम साथ बिता रहे होते हैं, लव बर्ड्स की तरह साथ में रहते हैं। नेक्स्ट सीन में ये दिखाते हैं कि जॉन जेरेमी को अपनी डेमो कैसेट बनाने के लिए कहता है ताकि वो उसको कुछ प्रोड्यूसर्स को दिखा सके। जॉन जेरेमी की बहुत मदद कर रहा होता है। जॉन मेलिसा को भी रिकॉर्डिंग में आने के लिए इनवाइट करता है। नेक्स्ट डे ये सब लोग म्यूजिक स्टूडियो आते हैं जेरेमी का डेमो रिकॉर्ड करने के लिए। रिकॉर्डिंग के बाद मेलिसा जेरेमी से मिलती है। जेरेमी उसे आई लव यू बोलता है और उसे किस करता है। मेलिसा भी उसका किस रिटर्न करती है। मेलिसा कहती है कि शायद ये गलत है। तब जॉन ये सब देख लेता है। जॉन का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। मेलिसा को काफी बुरा लगता है कि वो हमेशा से चाहती थी कि जॉन का दिल ना टूटे, लेकिन फिर भी उसने वही करा। तो वो जेरेमी से अपना रिलेशन तोड़ देती है। अब जेरेमी क्रिसमस के लिए अपने घर जाता है। एक रात अचानक से उसे जॉन का कॉल आता है। वो जेरेमी से कहता है कि मेलिसा की तबीयत काफी खराब है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। वो उसे कैलिफोर्निया आने के लिए कहता है। जेरेमी अपनी फैमिली को सब बताता है और कैलिफोर्निया जाने के लिए निकल जाता है। वो मेलिसा को हॉस्पिटल में मिलता है। वहाँ पे उसे पता चलता है कि मेलिसा को लिवर कैंसर है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। नेक्स्ट डे जेरेमी मेलिसा से वापस मिलने हॉस्पिटल में आता है। तब मेलिसा उसको कहती है कि जब वो इंडियाना वापस गया था तब उसने रियलाइज किया कि वो भी जेरेमी से प्यार करती है। वो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखती जेरेमी से कि कोई आंसर दे, उसको बस अपना दिल हल्का करना था। तब जेरेमी उसे रुकने के लिए कहता है और कहीं चला जाता है। कुछ देर बाद वो वापस आता है और मेलिसा को हॉस्पिटल के एक छोटे से चर्च में लेके जाता है। वहाँ पे उसने बहुत ही रोमांटिक तरीके से सेटिंग की होती है, सारे स्टार लाइट्स और सब कुछ लगाया होता है। ये सीन बहुत ही प्यारा सा है। वो मेलिसा को भगवान को साक्षी रख के शादी करने के लिए प्रपोज करता है। मेलिसा भी हाँ कह देती है। अब जेरेमी अपने डिसीजन को अपनी फैमिली को बताता है। उसकी फैमिली उसको बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत ही अच्छे पेरेंट्स होते हैं और वो समझते हैं कि एक बीमार लड़की के साथ शादी करना बहुत ही बड़ा डिसीजन होगा। उसकी माँ एक खानदानी एंगेजमेंट रिंग भी उसे देती है मेलिसा को देने के लिए। उसके बाद हमें दिखाया गया है कि जेरेमी मेलिसा से एंगेजमेंट करता है। अब हमें ये दिखाता है कि जेरेमी हमेशा पूरी ट्रीटमेंट के दौरान
मेलिसा के साथ होता है। वो उसे बहुत ही प्यार करता है और बहुत ही सपोर्टिव होता है। वो एक कॉन्सर्ट करता है, वहाँ पे वो सबको मेलिसा की कहानी बताता है और सबको उसके लिए प्रे करने के लिए कहता है, और सब लोग मेलिसा को छू के उसके लिए प्रे करते हैं। अब हमें डॉक्टर का केबिन दिखाते हैं, जहाँ पे डॉक्टर मेलिसा और जेरेमी से कहते हैं कि उसका कैंसर अब ओवरीज तक चला गया है और उसकी ओवरीज अभी निकालनी पड़ेगी। मेलिसा पूरी तरह टूट जाती है क्योंकि उसको ये ऑपरेशन के बाद बच्चे नहीं हो सकते। मेलिसा को हमेशा से ही बच्चों से बहुत प्यार था। एनीवेज उसको ऑपरेशन शेड्यूल करते हैं डॉक्टर्स। उस दौरान जेरेमी एक रेडियो शो में जाता है। वो सबको मेलिसा को अपने प्रेयर्स में रखने के लिए कहते हैं। अब ऑपरेशन के दिन जब मेलिसा को ऑपरेशन थिएटर लेके जाते हैं, जेरेमी प्रार्थना करने के लिए वो हॉस्पिटल के छोटे से चर्च में जाता है। जॉन वहाँ पे आता है और उसे कहता है कि ये बास्केट में सब लोगों ने मेलिसा के लिए प्रेयर की लेटर्स लिखे हुए हैं। जेरेमी उसे पढ़ने लगता है। तब मेलिसा की सिस्टर आती है और उसे कहती है कि एक मिरेकल हुआ है, मेलिसा का कैंसर जैसे अचानक से गायब हो चुका है और डॉक्टर ने कहा है कि उसको ऑपरेशन भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर्स को भी पता नहीं चलता ये मिरेकल कैसे। जेरेमी भगवान को थैंक यू बोल के मेलिसा के पास जाता है। अब 6 महीने बाद जेरेमी और मेलिसा की शादी होती है। वो एक परफेक्ट दिन था, एक लड़की जो एक्सपेक्ट करती थी वो सब उसे मिल जाता है। अब जेरेमी और मेलिसा हनीमून के लिए जाते हैं। हनीमून के दौरान मेलिसा को अचानक से पेट में दर्द होता है, तो वो लोग वापस घर आ जाते हैं। डॉक्टर्स बताते हैं कि मेलिसा का कैंसर वापस आ गया है और लास्ट स्टेज पे पहुंच चुका है। अब ना कोई कीमो ना कोई ऑपरेशन काम आएगा। जेरेमी यहाँ पे मेलिसा का बहुत ख्याल रखता है। सच में जेरेमी बहुत प्यार कर रहा होता है मेलिसा से। ये एक फेरी टेल जैसी कहानी रियल लाइफ में घटी होती है। अब कुछ दिनों बाद अचानक से रात को मेलिसा की नींद टूटती है और वो जेरेमी को उठा के बोलती है कि वो ठीक हो चुकी है। जेरेमी डॉक्टर्स को बुलाने जाता है, लेकिन वो वापस आने से पहले ही मेलिसा की मौत हो चुकी थी। जेरेमी पूरी तरह से टूट जाता है इस सदमे में, क्योंकि उसको बाय बोलने का मौका भी नहीं मिला था। ये सीन काफी इमोशनल दिखाया गया है। अब जेरेमी मेलिसा का फ्यूनरल करके वापस घर आ जाता है। वो कहता है कि मैंने भगवान से इतनी प्रार्थना की थी, फिर भी भगवान ने मेलिसा को उठा लिया। अब वो भगवान से नाराज हो जाता है और वो अपना म्यूजिक करियर भी छोड़ देता है। एक दिन गुस्से के कारण वो अपनी गिटार तोड़ देता है। जेरेमी को उस गिटार में मेलिसा का एक लेटर मिलता है। लेटर में मेलिसा ने लिखा था कि वो उससे बहुत प्यार करती है, उसे भगवान ने एक मिरेकल दिया था, वो दिन उनकी शादी का था और वो मिरेकल इस लाइफ के लिए काफी था। उसने ये सीखा है कि तकलीफें हमारी आस्था को बढ़ाती है, कम नहीं करती, और हमें हमेशा भगवान पे विश्वास होना चाहिए। वो कहती है कि मेरे लिए काम करना, भगवान ने दिए हुए उसके टैलेंट को कभी वेस्ट मत करना। अपनी गिटार उठा के सबको बता कि तुम में कितना टैलेंट है। जेरेमी फिर से गाना कंपोज करना शुरू कर देता है। उसका पहला गाना आई स्टिल बिलीव लिखता है। अब 2 साल बाद वो एक कॉन्सर्ट करता है जहाँ पे वो ये गाना गाता है। इस मूवी का नाम भी उस गाने से लिया है, आई स्टिल बिलीव। अब यहाँ पे वो एक लड़की से मिलता है। इस लड़की का नाम एड्रियन होता है। वो जेरेमी से कहती है कि जब उसने एक कॉन्सर्ट में मेलिसा के लिए प्रे करवाया था, वो भी वहाँ पे थी। उसने भी अपने एक साथी को खोया था, जिसकी वजह से उसका भगवान से विश्वास उठ चुका था, लेकिन वो कॉन्सर्ट उसकी पूरी लाइफ चेंज कर दिया है और वो उसको थैंक यू बोल के चली जाती है। दोस्तों ये मूवी बहुत ही सुंदर बनाई गई है। आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए।